कई बच्चों को मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट बोरिंग लगते हैं, मगर सही टीचर का साथ हो तो बच्चे इस तरह के सब्जेक्ट को मन लगाकर पढ़ते हैं। ऐसे में शहरों के अंदर काफ़ी सारे शिक्षण संस्थानों की भरमार है, मगर कलायत के कपिल मुनि महिला महाविद्यालय के साथ में लगती वैदिक कोचिंग क्लासेस के अंदर बच्चों को न केवल पढ़ाया जाता है बल्कि कंसेप्ट को गहराई के साथ समझाया जाता है। बच्चों की रुचि को देखते हुए आज हमने वैदिक कोचिंग क्लासेस के टीचर्स और बच्चों के साथ मुलाकात की। मेरा नाम राजबाल है और मैं यहाँ पे मैथ्स टीच करती हूँ। यहाँ से 9 to 12 बच्चे आते हैं ट्यूशन के लिए, उन बच्चों को पढ़ाते हैं। इस इंस्टीट्यूट की खास बात सबसे यही है कि जैसे मैथ्स को लेकर समाज में या बच्चों के बीच में एक दिमाग में डर बैठा दिया जाता है कि मैथ एक ऐसा टफ सब्जेक्ट है कि बच्चों को नहीं आएगा, तो ज़्यादातर बच्चे मैथ से डरे हुए होते हैं या फिर साइंस की भी बात करें। लेकिन इस अकेडमी की एक यही स्पेशल थिंग है कि बच्चों को बेसिक करवाया जाता है, बेस से बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, उसके बाद फिर बच्चों को आगे काम करवाया जाता है ताकि बच्चे समझे ना कि रटे। मुझे मैथ्स के सभी कॉन्सेप्ट पढ़ाने अच्छे लगते हैं, ताकि हम ऐसे ही करते हैं कि बच्चों को एक एक्टिविटी के थ्रू मैथ पढ़ाया जाए ताकि बच्चे उससे डरे नहीं बल्कि उसमें इंटरेस्ट लेकर और अच्छे तरीके से पढ़ा जाए सीखे उसमें। काफ़ी जितने बच्चे भी आए सभी के पेरेंट्स मिलके भी जाते हैं, बातचीत भी करते हैं कि बच्चों के अंदर जो मैथ्स का डर है वो निकालिए ताकि बच्चे और आगे जा पाए। क्योंकि 10th क्लास में हम देखते हैं कि बच्चे कहते हैं कि 10th क्लास में हम इतना ही करवाइए ताकि पास हो सके, क्योंकि हमें सिर्फ पास होना, आगे मैथ्स हमसे नहीं चल पाएगा। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ते हैं उनको आगे कॉन्फिडेंस भी आता है, 11th 12th में भी आगे चलकर वो बच्चे मैथ लेते हैं क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाता है यहाँ पे। जी मेरी क्वालिफिकेशन MSc मैथ्स, MEd एजुकेशन एंड नेट क्वालिफाई। सर मेरा नाम अनीस है और मैं +1 साइंस में पढ़ता हूँ। क्या पढ़ना अच्छा लगता है आपको? सर मुझे केमिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है। जो हमारे दिनेश सर है वो हर बच्चे की एक एक कॉपी चेक करके सब समझाते हैं, न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से कराते हैं। कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है आपको? टॉपिक सर अभी सर सारे टॉपिक बड़े अच्छे से कराते हैं सर और सब समझ में भी आता है। नहीं होमवर्क नहीं, जितना बोलते सर को उतना ही कराते हैं। अभी जैसे ज़्यादा काम हो जाते हैं ना तो सर खुद ही रुक जाते हैं, अगर बोलते हैं उनको कि बस आज इतना ही करना है तो वहीं पर रुक जाते हैं। महकप्रीत, +1 क्लास। क्या पढ़ना अच्छा लगता है? मैथमेटिक्स। कौन से सर पढ़ाते हैं? राज मैम। क्या तरीका अच्छा लगता है? वो डीपली करवाते हैं हर एक चीज़ को, हर एक फॉर्मूले को पूरा डीपली से उनकी डेरिवेशन कराते हैं, उनकी थ्योरी बहुत अच्छे से करवाते हैं। कई बार बर्डन बैठ जाता है बच्चे को पढ़ते वक्त, आपको तो नहीं ऐसा कुछ फील होता? नो सर, मतलब जितना कहते हैं उतना करवाते हैं और सिलेबस भी अच्छे से करवाते हैं कम्प्लीट। कौन सा टॉपिक फेवरेट आपका? ट्रिग्नोमेट्री। मनप्रीत सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? +1 साइंस। खासकर किस चीज़ की कोचिंग दे रहे हैं? केमिस्ट्री। क्या पढ़ना अच्छा लगता है आपको? सर केमिस्ट्री अच्छी लगती है। अच्छी लगती है? यस सर। और कैसे करवाई जाती है सेंटर में? सर अच्छे से कराते हैं सर। क्या तरीका पसंद आता है आपको? सर वो कराते वक्त मजाक भी करते हैं हमारे साथ और अच्छे से स्ट्रेस भी नहीं आता। एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं? यस सर। सर तान्या। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th। कौन सी सब्जेक्ट का आपको कोचिंग मिल रहा है? मैथ्स एंड केमिस्ट्री। क्या पढ़ना अच्छा लगता है? मैथ्स। कौन सी मैम पढ़ाते हैं आप? राजपाला। क्या तरीका अच्छा लगता है? इजी वे में करवाते हैं मेनली, ट्रिक्स शॉर्ट ट्रिक्स में करवाते हैं ज़्यादातर, मतलब इजी होता है। नहीं सर। मेरा नाम संजीव है, 11th क्लास में। क्या पढ़ना अच्छा लगता है? मैथ पढ़ना अच्छा लगता है। क्या अच्छी बात है? बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ाते हैं। मुझे राजबाला मैम पढ़ाते हैं मैथ्स, सभी तरीके अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैथ्स ही है लगभग। ट्रिग्नोमेट्री। जी सर नमस्कार, सबसे पहले सभी को, मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं वैदिक कोचिंग क्लासेस कलायत में एज ए टीचिंग हेड और एज ए केमिस्ट्री टीचर काम करता हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन I am MSc in chemistry and B.Ed. I have also qualified HSTET, CTET level 1, CTET level 2. अभी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चे मैथ को लेकर आ रहे हैं, साइंस को लेकर आ रहे हैं, स्पेशली फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए बच्चे अपने यहाँ पे आते हैं। हम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर 8th क्लास से लेके +2 क्लास तक कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो क्या पढ़ाना अच्छा लग रहा है और बच्चे खास किस चीज़ में रुचि ले रहे हैं?
जैसे कि आपको पता है सर, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, तो इसलिए जो आज के जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो साइंस और मैथ के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं। और बच्चों को बेसिकली क्या, साइंस और मैथ के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, जैसे कि बच्चे कई बार क्या स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर आ गई या फिर मैथ के अंदर आ गई, तो बच्चे रट्टा मारने लग जाते हैं, याद करने लग जाते हैं उसको बिना समझे। लेकिन मेरी सभी बच्चों से यही एक सलाह है कि बच्चे आप उस चीज़ को रट्टा मत मारिए, उस चीज़ को आप डीपली कंसेप्ट से समझिए। तो ये कंसेप्ट से समझने के सब्जेक्ट हैं, रट्टा मारने के सब्जेक्ट नहीं है। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है वैदिक कोचिंग क्लासेस, ये कलायत के अंदर कपिल मुनि कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके नज़दीक पड़ता है। अपने पेरेंट्स के नाम मेरी यही अपील है, यही कलायत वासियों से या फिर कलायत के आसपास जितने भी ग्रामवासी हैं सभी से यही अपील है कि आप एक बार क्या अपने बच्चे को अपने इंस्टीट्यूट के अंदर भेजिए, 2-3 दिन की डेमो क्लास लगा के देखिए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ भी आपका बच्चा पढ़ रहा है उसके बजाय आपको यहाँ पे एक अलग से ही आप डिफरेंस फील करोगे, जो टीचिंग का जो डिफरेंस है, क्योंकि हमारे जो टीचर हैं वो एक अलग तरीके से एक कंसेप्ट बिल्डिंग के साथ, एक डीप नॉलेज के साथ पढ़ाते हैं। हर एक जो न्यूमेरिकल है उसको क्या, हर एक जो सम है उसको क्या करवाया जाता है और कंसेप्ट की अच्छी डीप नॉलेज दी जाती है।